हेलो दोस्तों, पिछला जो हमारा वीडियो बना था उसमें हमने विनाइल स्टिकर को रिमूव करके आपको वीडियो उसका दिखाया था कि किस तरह से वो रिमूव होता है। तो हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उनका ये कहना था कि किस तरह से ये रिमूव करना है उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से इस वीडियो को बना करके अपलोड कर दिया जाए और बता दिया जाए उनको पूरी प्रोसेस कि किस तरह से इसको रिमूव किया जाता है विनाइल स्टिकर को। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर विनाइल स्टिकर इस पर प्रिंट है, ये डी और जी लिखा हुआ है, इसे हमें रिमूव करना है। और रिमूव करने के बाद इस पर हम एक दूसरी लोगो लगाएंगे यहाँ पर और सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद दोबारा से इसकी कैसे प्रिंटिंग होती है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बहुत ही कम समय में और कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से इसको रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद आपको इसको इसको जो है किस तरह से इसमें नया दूसरी प्रिंटिंग आप जो है ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको जो है कि रिमूव करने का हम पहले प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रिमूव करना है। इस तरह का जो है आप एक नेल रिमूवर ले लेंगे मार्केट से, ये 20 या 25 रुपए के ये आता है, ये आप मार्केट से नेल रिमूवर नाम का ये है, जैसे नेल पॉलिश जो लगाते हैं नाखून पर, तो उसको जो है कि रिमूव करने के लिए ये नेल रिमूवर का यूज करते हैं। तो इसी का यूज करके हम जो है इस जैकेट से विनाइल को रिमूव करेंगे। तो इसको करना क्या है, किस तरह से प्रोसेस इसका होता है, मैं आपको पूरी डिटेल अभी बता रहा हूँ। इस तरह का हमें एक नैपकिन लेना है, पेपर की तरह ये होता है, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, ये हाथ वगैरह पोंछने के काम में आता है। तो इसे हम इतना सा इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और ये हमारा नेल रिमूवर है, ठीक है। हम इस पर जो है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, आपको बहुत कम क्वांटिटी में इसको इस तरह से वेट कर लेना है, गीला कर लेना है, ठीक है। मैं इसे इस तरह से मोड़ दिया मैंने इसको, और इस तरह से आपको इसको गीला कर लेना है। तो ये नेल रिमूवर का मैंने इसको थोड़ा सा गीला कर लिया है। अब आपको करना ये है कि इसके ऊपर हल्का हल्का सा आपको इस तरह से ऊपर से इसको इस तरह से लगानी है। अगर सूख जाता है तो आप दोबारा से ले सकते हैं और इस तरह से इसे यहाँ लगाकर कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना है, ये कुछ समय के बाद ये बिल्कुल हल्का हो जाएगा और इसकी जो स्टिकनेस होगी वो हल्की हो जाएगी और इसे आप जो है उसके बाद अपने नाखून से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने कुछ देर के लिए इसको छोड़ दिया, अब देखिए मैं इसको हल्का हल्का से अपने नाखून से इसे कुरेद रहा हूँ। तो अब देखिए ये पूरी तरह से ये जो है इसका विनाइल बाहर आ जाएगा, बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ ये रिमूव हो जाएगा बाहर। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे रिमूव कर लिया, ये रिमूव हो गया, इसे भी मैंने रिमूव कर लिया। तो आप देख रहे हैं इसकी विनाइल जो है पूरी तरह से यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब इस छोटे वाले लेटर को भी आप इस तरह से अपने नाखून की सहायता से इसे ऐसे ऐसे करके आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैंने सारे लेटर्स को इस तरह से मैंने रिमूव कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ इस पर कोई दूसरा लोगो लगाना, तो मैं आराम से इसके ऊपर दूसरी लोगो लगा सकता हूँ। अब देखिए पूरी तरह से ये रिमूव हो चुकी है। हल्का सा अगर रह जाता है तो आप इसको इस तरह से भिगा लेंगे थोड़ा सा और अपने नाखून की सहायता से थोड़ा सा इसे और कुरेद देंगे तो ये पूरी तरह से यहाँ से हट सकता है, और ये हट गया। अब हम इसके जगह पर दूसरी एक लोगो प्रिंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर दूसरी लोगो किस तरह से हमारी दिखेगी और सेम जैकेट को हम जो है नए तरीके से प्रिंट करेंगे। तो चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जो लोगो हमें प्रिंट करना है, आप देखिए यहाँ पर ये हमारा लोगो निकल रहा है।
कटिंग इसकी निकल रही है, इसे रिमूव करने के बाद हम आपको पहले दिखाएंगे कि किस तरह से ये प्रिंट होगी। तो लोगो जहां हमें प्रिंट करना है उसकी कटिंग ये निकल चुकी है। अब इसे हम रिमूव करके आपको सिस्टम पर करके दिखाते हैं किस तरह से ये प्रिंट होगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना होगा क्योंकि इसे हमें रिमूव करके सिस्टम तक लेके जाना है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं पॉज करके आगे का नेक्स्ट वाला वीडियो आपको तुरंत ही दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है, हमें जो लोगों को प्रिंट करना है, हम पहले इस लोगों को डिजिटली पेपर पर प्रिंट कर लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सारी वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से हम मिरर टाइप में प्रिंट निकालते हैं और उसे लोगों के लिए यूज करते हैं। चलिए इसकी प्रिंटिंग निकाल लेते हैं यहाँ से। इसे मैंने यहाँ से प्रिंट का कमांड दे दिया। नीचे में हमारा सिस्टम लगा हुआ है जो कि इस लोगो को प्रिंट करके ये बाहर निकालेगा। थोड़ी देर में हमारी लोगो जो है निकल जाएगी प्रिंटिंग में, और इसके बाद हम जो है इसे अपने ट्रैक सूट पर प्रिंट करेंगे। तो प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से प्रिंटिंग ये होगी। तो हम लोगों ने विनाइल को रिमूव कर लिया। विनाइल को रिमूव करने के बाद प्रिंटिंग भी हमने निकाल ली है। इस तरह की प्रिंटिंग हमारे पास निकल कर सामने आ चुकी है। अब इस प्रिंटिंग को हम जो है अपने जो कटिंग हमारा है, ये इस कटिंग पर हम जो है इसे प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद इसे जो है अपने ट्रैक सूट पर स्टिक कर देंगे। तो चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं कि किस तरह से ये डिजिटल हमारे पास जो पेपर प्रिंटिंग में आया है, इसे हम अपने इस विनाइल पर किस तरह से प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद उसे ट्रैक सूट पर कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे स्टिक करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस तरह का, अगर आपके पास कोई ट्रैक सूट है या टी शर्ट है जिस पर लोगो ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो आप इस तरह का स्टिकर हमसे बनवा करके जो भी आप मैटर लिखवाना चाहेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह लिखवाना होगा, आप यहाँ से लिखवा करके आप इस तरह का आप कटिंग और प्रिंटिंग सहित मंगवा सकते हैं। अपने घर पर डिलीवरी आप पा सकते हैं। और ये इसको प्रिंट करने का बिल्कुल आसान ही प्रोसेस है, बिल्कुल भी कठिन प्रोसेस नहीं है। इसे प्रिंटिंग के बाद आपको अपने ट्रैक सूट पर रखने के बाद इसे स्टिक कर देना है। कैसे स्टिक करना है मैं सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। तो चलिए मैं इस डिजिटली प्रिंटिंग को अब मैं इस विनाइल पर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अब आपको मशीन की तरफ लिए चलता हूँ। तो फाइनल आते हैं अब अपनी प्रिंटिंग की तरफ, और बताते हैं आपको कि किस तरह से प्रिंटिंग हुई। ये हमारा कटिंग विनाइल है, इस पर हम जो है ये डिजिटल जो हमारा प्रिंट हुआ है इसे हम पहले इसके ऊपर प्रिंट करते हैं। तो इस तरह से इसकी सेटअप हम बना लेते हैं जैसे हमें प्रिंट करना है। इस डिजिटल पेपर को हम विनाइल के ऊपर इस तरह से रख देंगे, और रखने के बाद ऊपर से हमें एक टेफ्लॉन शीट रखना होगा ताकि कोई भी खराबी ना आए स्टिकर के ऊपर। इस तरह से हम जो है इसके ऊपर एक टेफ्लॉन शीट रख देते हैं। हमारी ये हीट प्रेस मशीन है। अब इस मशीन को इस तरह से जो है हम प्रेस कर देंगे। टाइमिंग आपको देख रहा होगा ऊपर, ये टाइमिंग हमारी चल रही है। जैसे ही ये जीरो पर जाएगा तो इसकी प्रिंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और हम प्रिंटिंग निकाल लेंगे। तो अभी ये घट रही है इसकी टाइमिंग, 20 सेकेंड तक आ चुका है 19, और ये जीरो पर जाएगा और हमारी प्रिंटिंग उसके ऊपर हो चुकेगी। थोड़ा सा वेट करते हैं प्रिंटिंग तक, जब तक ये प्रिंटिंग नहीं हो जाती है। अगर मैं दोबारा, तो दोस्तों फाइनली हमारा स्टिकर जो है डिजिटली प्रिंट हो चुका है। अब हम अपने इस ट्रैक सूट पर इस तरह से इसे रख देंगे, और इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि अगर आप इस तरह का स्टिकर अगर आप बनवाते हैं और अगर आप घर पे अपने रखते हैं तो मशीन तो आपके पास नहीं होगा, तो इजीली इसको किस तरह से प्रिंट करना है मैं आपको बताता हूं कि इसको आयरन से प्रिंट कर सकते हैं आप। ये स्टिकर है जस्ट, आप इसको आयरन से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो चूँकि हम लोग के पास मशीन है, ज़्यादातर हम काम प्रिंटिंग के लिए हम लोग जो है मशीन से ही करते हैं, हीट मशीन से। लेकिन आपके पास चूंकि मशीन नहीं है तो आप कैसे प्रिंट करेंगे, आप जो है आयरन से प्रिंट करेंगे। तो आपके पास एक पेपर होना चाहिए इसे स्टिक करने के लिए। कोई सा भी एक पेपर ले लेंगे, A4 साइज का जो जुरेक्स वाली पेपर होती है ऐसा पेपर ले लेंगे। हम लोग बेसिकली टेफ्लॉन शीट यूज करते हैं, ये हमारे पास टेफ्लॉन शीट है। हम इस टेफ्लॉन शीट को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। मैं इसकी स्केलिंग देख रहा हूँ ये सीधी है या नहीं, क्योंकि लोगो अगर टेढ़ी प्रिंट हो जाएगी तो वो फिर पहनने में अच्छा नहीं लगेगा, वो बेकार लगेगा। तो ये बिल्कुल भी सीधा है। अब मैं इसे इसके ऊपर
टेफलॉन सीट को इस तरह से मैं रख दूंगा, और मेरे पास आयरन है, मैं आयरन से आपको इसे स्टिक करके दिखाऊंगा, आप भी जो है आयरन से ही स्टिक कर सकते हैं। तो इस आयरन को इस तरह से हल्के हाथों से इसे इस तरह से रखने के बाद आपको इसे दबा देनी है। मैं थोड़ा सा इसे प्रेस करूँगा, दाब रखूँगा इसके ऊपर ताकि उसकी जो स्टिकनेस है उसके ऊपर जम जाए। थोड़ा सा हाथों को आप अपने दाब देकर के आयरन को इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये स्टिकर अगर आप मंगवाते हैं तो इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग जो है ज़्यादातर प्रिंटिंग मशीन से ही करते हैं। ये मैंने आपको केवल आयरन से दिखाने के लिए बताया है कि किस तरह से आयरन से आप अगर स्टिकर मंगवाते हैं तो आयरन से किस तरह से आप कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं देखता हूँ इसकी स्टिकनेस हो चुकी है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्टिकनेस तो इसकी हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे बेहतरीन सा ये स्टिकर हमारा अब जो है प्रिंट हो चुका है। अब इसे जो है आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, ये इसके ऊपर परमानेंट स्टिक हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी स्टिकर प्रिंट हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जो है अपने ट्रैक सूट के ऊपर कोई भी दूसरा प्रिंटिंग अगर हो तो उसे आप रिमूव कैसे करेंगे और उसके बाद आप प्रिंटिंग डिजिटल आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।